प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ तीन में संज्ञा। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा जो हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो सब संज्ञा है। जैसे आप भी संज्ञा है, मैं भी संज्ञा हूँ, और हमारे जो हम जो भी चीज देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, वो सब क्या है बच्चों? संज्ञा है। जैसे आप एक लड़का है तो आप भी क्या है? संज्ञा। अगर आप एक लड़की है तो आप भी एक संज्ञा है। अगर आपका नाम है गीता, सीता, तो आप क्या है? आप संज्ञा है। अगर राम, मोहन, ये भी नाम है तो ये भी संज्ञा है। तो बच्चों, हमारे हाथ में जो कलम है ये भी क्या है? ये संज्ञा है। हमारे हाथ में पुस्तक है तो पुस्तक भी क्या है? संज्ञा है। और हमारे हाथ में जो भी चीज होती है वो सब क्या होती है बच्चों? संज्ञा होती है। तो चलिए हम आज संज्ञा पढ़ते हैं। क्या आप अपने आस पास बहुत सी वस्तुएं देखते हैं? सभी वस्तुओं का कुछ ना कुछ नाम होता है, और इन नामों से इनको हम अनेक नामों से जो इन वस्तुएं इनको हम अनेक नामों से पुकारते और पहचानते हैं। हम देखिए, अगर हम बॉल से खेलते हैं तो हम उसको गेंद बोलते हैं, पार्क में जाते हैं तो पार्क बोलते हैं, दोस्तों के नाम लेते हैं, ये सब क्या है? ये सब संज्ञा है। ऊपर बने चित्र में आपने देखा है सूरज अपने मित्र के साथ खेलता, रोहन पेड़ देखिए खेल रहा है, खेलना, पेड़, पौधे, सूरज, आदमी, जानवर, ये सब क्या है? ये सब पेड़ पौधे हैं। अब आगे, सूरज अपने मित्र के साथ खेलना, रोहन पेड़, पेड़ पौधे, बच्चे, कुत्ता, चिड़िया, ये सब बगीचे जुड़े हैं। तो ये रोहन क्या है? रोहन व्यक्ति है, बगीचा स्थान है, पेड़ बच्चे, पेड़ पौधे, कुत्ता, चिड़िया, ये सब क्या है? प्राणी है। तो फुटबॉल क्या है? वस्तु है। तो देखिए, व्यक्ति किसी का जो नाम होता है वो व्यक्ति होता है, कोई चीज होती है, जैसे बगीचा, पेंसिल, मेज, कुर्सी, बेंच, ये सब क्या स्थान है? बच्चे, पेड़ पौधे, कुत्ता, चिड़िया, ये सब क्या है? प्राणी है। और फुटबॉल वस्तु है। फुटबॉल क्या है? फुटबॉल एक वस्तु है, ठीक है बच्चों। और स्थान क्या था? स्थान जैसे बगीचा स्थान है, बगीचा, चिड़ियाघर, ये सब क्या है? स्थान है। बगीचे में क्या है? हरियाली है। तो ये क्या बन गया? भाववाचक, क्योंकि हरियाली क्या होता है? भाववाचक। सुबह का मस्ती से भरा माहौल है, तो मस्ती भी क्या हो गई? भाववाचक। आगे प्रसन्नता, बच्चों के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है, प्रसन्नता मतलब खुशी, तो ये भी क्या हो गया? भाववाचक। आप बगीचे में है तो क्या बन गया? व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव सभी से मिल लिए। अगर आप बाग में हैं, पार्क में हैं, तो आपने सभी लोगों से मिला है, वहां जो लोग हैं व्यक्तियों से मिले, वहां की जो वस्तु है उनसे मिले, जो प्राणी है उनसे भी मिले, तो आपने वहां पे सभी से आप मिल लिए हैं। और इन्हीं नाम के कारण संज्ञा क्या है? संज्ञा परिवार में शामिल है। बगीचे में व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव, ये सभी क्या है? ये संज्ञा है। और ये सभी हमारा क्या है? एक परिवार है, संज्ञा का परिवार है। और प्रत्येक नाम संज्ञा कहलाती है, और उसका प्रत्येक नाम संज्ञा कहलाता है। अरे संज्ञा तो हमारे घर, परिवार में, विद्यालय, कक्षा, बस्ते, जेब, सभी जगहों पर है संज्ञा। आप विद्यालय जाएंगे तो विद्यालय में मेज, कुर्सी, कमरा, अध्यापक, अध्यापिका, ये सब क्या है? ये भी संज्ञा में आती है। तो ये भी हमारा एक परिवार है। तो चलिए, हाँ, आपको दिन में देखिए, दिन में, रात में, धरती पर, आकाश में जो भी आपको दिखता है वो सब क्या होती है? वो सब संज्ञा होती है। जैसे कि नदी है, इसमें हमें सूरज दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं, पक्षी दिख रहा है, पानी दिख रहा है, नाव, पहाड़, ये सब क्या है? संज्ञा है। दूसरा पिक्चर देखिए, चांद है, तारे है, आसमान है, ये सब क्या है? ये भी संज्ञा है। इसका मतलब संज्ञा का परिवार बहुत ही बड़ा है। इसका मतलब क्या है? जो संज्ञा है इसका पूरा परिवार बड़ा है। चलिए संज्ञा परिवार के कुछ सदस्यों से मिलते हैं। तो संज्ञा के परिवार में कितने सदस्य होते हैं? तीन सदस्य हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बच्चों, ये हमने पिछली कक्षा में कर लिया था, आज हम इसको थोड़ा विस्तार रूप में करेंगे। देखिए, ये पहला जो तस्वीर है ये गुरु नानक की है, ये दूसरी दिल्ली की है, और तीसरी महाभारत में। तो देखिए, गुरु नानक एक आदमी है, लेकिन इनका नाम दिया गया है गुरु नानक, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई। ये एक इमारत है, लेकिन इसका, ये इमारत कहाँ पर है? ये इमारत दिल्ली में है, इसलिए ये भी क्या बन गया? व्यक्तिवाचक।
अब ये देखिए, ये है महाभारत, ये इमारत कहाँ है, ये गंत्र है, इस गंत्र का नाम दे दिया गया है, इसलिए ये महाभारत व्यक्तिवाचक हो गया। अगर किसी गंत्र का नाम दिया जाता है, जैसे कोई किताब है, अगर मैं आपको कहती हूँ बच्चों किताब निकालिए, तो आप किताब सोचेंगे कौन सी किताब निकालें, लेकिन अगर हिंदी का पीरियड है तो आप क्या है, हिंदी की ही किताब निकालेंगे, तो ये हिंदी क्या हो गई, हिंदी हमारी व्यक्तिवाचक हो गया। अगर हिंदी हिंदी की किताब में मैं आपको बोलूं कि बच्चों हिंदी की व्याकरण की किताब निकालो, तो आपको व्याकरण की किताब निकालेंगे। तो मैंने आपको एक नाम दे दिया, अगर मैं नाम दे रही हूँ तो वो हो जाता है व्यक्तिवाचक। जैसे कि लड़की, लड़की है जातिवाचक, लेकिन लड़की का नाम आ गया सीता, तो सीता क्या बन गया, व्यक्तिवाचक। जैसे रोहन, रोहन क्या है, व्यक्तिवाचक, लेकिन लड़का है तो वो बन गया जातिवाचक। दिए गए चित्रों के बारे में बताने वाले सब, जैसे गुरु नानक, दिल्ली, महाभारत, ये क्या है, यह एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का नाम है। ऐसे संज्ञा शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे संज्ञा को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए कि हिमालय, हिमालय पहाड़ है लेकिन नाम आ गया तो हिमालय, ये एक नदियां हैं लेकिन नाम आ गया तो गंगा, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर भी एक आदमी है लेकिन नाम आ गया तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। आपका और मेरा नाम भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने आपको भी बताया था कि आपका और मेरा नाम भी क्या बन जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे आपका नाम सीता, गीता, रोहन, राम, मनीष, मोहन, तो ये क्या बन गए, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गए। अब हम करते हैं नंबर दो, जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिनमें हमें जाति का पता चलता है। जैसे कुत्ता, कुत्ता तो अब कुत्ता हमें पता है कि कुत्ता, कुत्ते का अगर नाम होता मोती तो हम उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक, लेकिन कुत्ता एक जाति है, एक उसके लिंग के बारे में पता चल रहा है, तो कुत्ता क्या हो गया, कुत्ता हो गया जातिवाचक। जैसे कुत्ता भौंकता है, तो देखिए तो हम किसी कुत्ते की बात करें कि देखिए गली में बहुत सारे कुत्ते होते हैं, आप कौन से कुत्ते की बात कर रहे हैं, तो ये हमें तो अगर हम कुत्ते का नाम लेते हैं तो व्यक्तिवाचक बन जाता है, लेकिन कुत्ते बहुत सारे हैं तो इसमें कुत्ता जातिवाचक संज्ञा। देखिए दुनिया के सभी कुत्तों की, क्योंकि सारे कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ता शब्द से उसकी पूरी जाति के बाद का पता चलता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। क्या आप समझ गए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका नाम क्या है लिखिए, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका नाम जैसे मैं लिख देती हूँ कमल, तो कमल क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। जब आपको नाम कहा तो नाम शब्द हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे जब मैंने आपको कहा नाम लिखो, तो आपने अपना नाम लिखा तो नाम क्या बन गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर आप यहाँ लिखते लड़का तो क्या बन जाता, लड़का लिखते ही ये बन जाता जातिवाचक संज्ञा। क्या बन जाता बच्चों, जातिवाचक संज्ञा। लड़का या लड़की कहा तो नाम, और व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जब मैं आपको लड़का या लड़की कहा तो, अगर मैं कहती लड़का तो आप क्या लिखते हैं, जातिवाचक रहेगा तो वो संज्ञा ही, लेकिन व्यक्तिवाचक नहीं जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर मैं यहाँ लड़का लिखती तो व्यक्तिवाचक नहीं जातिवाचक बन जाता, क्योंकि व्यक्तिवाचक में तो हमें किसी विशेष का नाम लिखना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लड़का या लड़की शब्द आपके और इसके उसके किसी भी बच्चे के लिए प्रयोग हो सकता है। देखिए लड़का शब्द तो अगर आकर हम पार्क में कहीं जा रहे हैं और किसी अंकल ने बोला लड़का, तो लड़का बोलने पर हम सभी देखते हैं, क्योंकि कौन से लड़के के लिए कह रहे हैं ये हमें पता नहीं होता है। अगर हम उसी का नाम दे रहे थे रोहन, तो सिर्फ रोहन ही उनको देखता, क्योंकि रोहन को ही बुलाया जा रहा है। देखिए अध्यापिका, ये अध्यापिका है, ये छात्र, कुर्सी और पुस्तक, ये सब क्या है, ये सब जातिवाचक है, क्योंकि अध्यापिका हिंदी की भी हो सकती है, अंग्रेजी की भी और मैथ की भी हो सकती है। छात्र लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। अब छात्र देखिए लड़का है, लड़के में छात्र कोई भी हो सकता है, चाहे वो रोहन भी हो सकता है, राम भी हो सकता है और मनीष भी हो सकता है। कुर्सी, कुर्सी रबड़ की भी हो सकती है, कुर्सी लकड़ी की भी हो सकती है और कुर्सी प्लास्टिक की भी हो सकती है। पुस्तक, पुस्तक कोई भी हो सकती है, क्योंकि इसमें पुस्तक का नाम नहीं है। तो अब इस तरीके से हमने जातिवाचक संज्ञा पढ़ी। अब आगे है बच्चों, आगे भाववाचक संज्ञा। आप अच्छे बच्चे हो, तो देखिए इसमें भाव बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि आप जो बच्चे हैं आप बहुत ही अच्छे हैं, तो आप साथी छात्रों से मित्रता रखते हैं, तो मित्रता क्या हो गया, ये हमारी संज्ञा हो गई। आपकी बोली में मिठास है, आप मीठा बोल रहे हैं, तो ये भी आपकी संज्ञा हो गई। ये सबके दिल को ठंडक पहुंचाते हैं, ठंडक मतलब
हमारे दिल को तो ये ठंडक भी क्या है, उसकी विशेषता है। तुम बहुत होशियार हो, तो तुम क्या हो, होशियार हो, तो ये भी एक संज्ञा है। तो बच्चों इस तरीके से हमने संज्ञाएं करी। तो अब संज्ञा किसे कहते हैं, एक बार फिर दोहरा लेते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जगह, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जगह, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के भेद होते हैं। व्यक्ति विशेष के बारे में बता, व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, जब किसी का हम किसी का नाम विशेष ले लेते हैं, जाति में उनकी जाति का बोध होता है, और भाववाचक में जो और भाववाचक शब्द होते हैं जो महसूस कराते हैं, जो भावों को महसूस कराने वाले शब्द भाववाचक कहलाते हैं। भाववाचक क्या कहलाते हैं, जो भावों को महसूस कराते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमारा आज ये जो पाठ है, ये संज्ञा का ये पूरा होता है। आप इसको पढ़िएगा और साथ में याद भी कीजिएगा। कल हम इसके अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।